और ये देखिए ये भी पूरा जंगल है। ओह चढ़ गया। उसके बाद फिर रोला पड़ गया, जैसे झगड़ा हो गया, तो उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम का जो भी आपने काफी पुरानी चेयर है ये वाली, ये देखिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव, और काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और धूप एकदम बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, मतलब बुरा हाल है बाहर। तो अभी यहां पे अंदर एसी चल रहा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो आगे से रोड भी ऐसा है, झूले झूलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे। दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा रोड, ये देखिए पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड, दोनों तरफ जंगल है। सामने देखो गाड़ी जा रही है कैसे, वो भी धीरे धीरे 20 की स्पीड पे जा रही होगी शायद, है ना, 20 की स्पीड पे जा रही होगी गाड़ी ना, 10 की नहीं नहीं 20 की स्पीड पे। तो इधर भी देखो ये जंगल है और ये भी पूरा जंगल ही है। और ये देखिए सामने लड़कियाँ ये लकड़ी काट के लेके जा रही हैं, उठा उठा के बेचारी। और ये देखिए ये भी पूरा जंगल है, इधर भी जंगल है, पूरी घास वगैरह सारी बिल्कुल सूख चुकी है नीचे वाली, और जो जो पेड़ हैं वो मिट्टी के साथ पूरे लतपत हुए पड़े हैं, हरियाली तो गायब ही है, बड़े रूखे रूखे से पेड़ दिख रहे हैं। बुरा ही हाल है पेड़ का भी और रोड का भी, अब पता नहीं कब बनेगा ये रोड। हम भी जा रहे हैं 10 की स्पीड पे, ये देखिए दिख नहीं रहा है ना, गाड़ी क्रूज मोड पे है, गाड़ी हमारी क्रूज मोड पे चल रही है, अपने आप चल रही है। सही बात है मनी, ये देखो मनी ने हाथ भी नहीं लगाया हुआ, ऐसे ही गाड़ी चल रही है, एकदम जैसे आग लगी हुई ना बाहर, ऐसा ऐसा फील आ रहा है। ये शीशे से अगर मैं ऐसे करूँ ना तो मेरा हाथ जल रहा है हाथ मेरा। अब नीचे रोड ही पड़ी हुई है, बट्टे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं छोटे छोटे, गाड़ी से टकरा रहे हैं। जंगल में मंगल लगा हुआ है, गन्ने का रस, मंगल ग्रह पे पानी मिलने जैसा है। हाँ ये देखिए जंगल में लगा के बेचारे बैठे हुए हैं। हाँ जानवर तो बहुत है अंदर, लेकिन बेचारे छुप के बैठे हुए हैं कहीं घनी घनी सी छांव देखकर, है ना, घने से पेड़ देखकर उसमें छुपे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे। काफी सारे बंदर हैं और मोर है और भी बहुत सारे पक्षी यहाँ पे, जानवर और पक्षी हैं। सो फाइनली अभी साफ रोड पे पहुँच चुके हैं, और अभी पूरा रास्ता एकदम ओके ही है, बस यही रास्ता था गंदा मंदा, ऑफ रोड था पूरा। तो यहाँ पे अभी सारा रास्ता ओके, क्लीन है बिल्कुल। तो वो सामने मृग तृष्णा जो हम बचपन में पढ़ते थे वो देखने को मिल रही है, धूप का जो क्या बोलता है, धूप का परछाई नहीं, मनप्रीत को पता है क्या होता है, वो रिएक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन। हाँ धूप की रिफ्लेक्शन होती है जो, उसकी वजह से ये मृग तृष्णा बनते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्शन, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो बन रही है, हर जगह पत्ते ही पत्ते, हर जगह पत्ते। सो ये देखिए ये कितनी सारी मक्खियां भुंडियां। तो ये डैडी के 3-4 लड़ गई बाजू पे, काफी जहरीली होती है पता ही आपको, पीली पीली। तो अभी मैंने क्या किया था कि इसको ना पत्तों को आग लगा के और रख दिया जहाँ पे लगी हुई थी, तो काफी सारी उड़ गई और बाकी अभी तो पड़ी हुई है। अभी देखता हूँ दोबारा आग लगाता हूँ, ठीक है मनप्रीत? नहीं नहीं। क्यों? हमको घर से जाने तो फिर तो मनप्रीत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, अटैक। सो गाइज अभी आपने देखा कि काफ़ी सारी जो पंजाबी में बोलते हैं परिंड ऊंडी, तो वो काफ़ी सारी डैडी को लड़ गई, डैडी की बाजू पे। लोग खड़े थे अपने गांव में, तो ये गांव के सामने जो मस्जिद है दिखाना ज़रा। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, सबसे पहले जब हमने फर्स्ट व्लॉग डाला था तो ये आपको दिखाया था हमने,
तो उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था तो अच्छी तरह से दिखाया नहीं, तो अच्छी तरह से आज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अंदर जाएंगे थोड़ा सा देखेंगे, अगर सही लगा तो जाएंगे अंदर, है ना। लेकिन कुछ गिर ना जाए तो इसकी वजह से पूरा, मतलब अगर ना भी दिखा पाए तो भी सॉरी, लेकिन फिर भी चलते हैं देखते हैं अंदर है क्या। सो ये देखिए, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये मस्जिद है उस टाइम की। मे बी मस्जिद होगी या कुछ स्कूल होगा, कुछ भी हो सकता है, जो कि पार्टीशन से पहले का है। ये उस टाइम बोलते हैं कि नया नया बनाया ही था, तो उसके बाद फिर रोला पड़ गया, जैसे झगड़ा हो गया, तो उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम का जो भी आपने देखा ही है, हिंदू मुस्लिम सिखों का, तो पार्टीशन हो गया, तो फिर सब लोग चले गए यहाँ से, छोड़ गए। तो एक बार बोलते हैं कि शायद यहाँ पे आए भी थे, है ना, जो जिन्होंने ये बनाई थी, है ना, एक बार आए थे, बिल्डिंग बनाई थी जिन्होंने, है ना, बोलते थे कि हमें दे दो, है ना, लेकिन फिर सब लोगों ने मना कर दिया आई थिंक। तो ये देखिए इसकी जड़ें कैसे नीचे आ चुकी हैं, ये देखिए काफ़ी सारे ऊपर मतलब पेड़ उग चुके हैं इसके, तो कितनी खूबसूरत थी ये देखने के लिए, अगर ऐसे हालत इसके हालात ना होती तो काफ़ी खूबसूरत थी मे भी ये, तो इसको किसी ने मेंटेन नहीं किया। ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है इसका, था हाँ ये था पहले, ये गेट था, ठीक है, और यहाँ पे कुआं था, तो ये मैंने भी देखा हुआ है, ये कुआं है, और अभी इसी को फिल कर दिया गया है, मतलब कुछ मिट्टी विट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया है। और ये देखिए ये तब की बनी हुई है ये चीज़ें, ये मेरे ख्याल से वॉशरूम थे शायद उस टाइम के, ये वॉशरूम बने हुए थे। तो मैंने ये देखा हुआ है यहाँ पे कुआं था, लेकिन इसको अभी बंद कर, तो ये सारा उसी का, ये बाउंड्री है उसकी सारी की सारी, तो ये साथ में छप्पड़ है पूरा गाँव का पुराना, तो ये पानी साफ था यहाँ पे, आई थिंक वो लोग कपड़े वगैरह धोते थे उस टाइम में, मेरे ख्याल से नहाते भी होंगे, तो उसके बाद इसको छप्पड़ बना दिया, मतलब जितना भी गाँव का गंदा पानी है सारा अभी इसी में जाता है। तो ये अभी दलदल बन चुकी है बहुत गहरी, तो अभी मैंने कोशिश की थी अंदर जाने की, लेकिन यहाँ पे मधुमक्खी नहीं, ये बड़ी ख़तरनाक मक्खी है पीली वाली, तो वो काट रही है बार बार। इसका दरवाज़ा तो हमने खोल लिया, लेकिन अंदर थोड़ा अंधेरा है, तो लाइट का थोड़ा सा अभी बंदोबस्त करते हैं, मनी गया है मोबाइल लेने, तो जब जैसे ही आता है तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या था अंदर। चलिए चलते हैं अंदर इसके। और ये देखिए अंदर का हाल, ये देखिए बिल्कुल फटी हुई दीवारें, और ये पीछे छोटी सी दीवार की हुई है, अभी मेरे ख्याल से अंदर ना सफाई की हुई है ना, मन्नी सफाई की हुई है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा था। तो ये देखिए ऊपर कितना ही सुंदर देखो डिज़ाइन बनाया हुआ है, उस टाइम का बना ही हुआ है, तो इस पर अभी कलर भी बाकी है, इतने साल हो गए, कम से कम 70 80 ईयर्स हो गए, देखो कलर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है ऊपर वाला, वो जो ऊपर है बिल्कुल, और ये सारी दीवारें फटी हुई हैं, और ये पूरी की पूरी पेड़ों की जड़ें देखो कैसे बिल्कुल अंदर आई हुई हैं, पूरी दीवार फाड़ दी इसने। तो ये यहाँ पे आई थिंक ये किसी ने अभी रखी हुई है पाथियाँ, उपले रखे हुए हैं ये, और ये देखिए ये चेयर पड़ी हुई है उस टाइम की होगी मे भी, ये बहुत पुरानी है, चलो उस टाइम की तो नहीं होगी, उसके बाद भी अगर होगी तो ये काफ़ी पुरानी चेयर है ये वाली, ये देखिए, और ये देखिए डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, और ये देखिए ऊपर मेन सेंटर, ये मेन सेंटर है इसका, और ये देखिए काफ़ी अच्छे
ये देखिए ये वाला और ये और ये मेन सेंटर है, और ये देखिए ये वाला, तो ये कितने अच्छे से डिज़ाइन बनाए हुए हैं उस टाइम पे, और ये मेन सेंटर वाला, तो ये देखिए पूरा कैसे ये पूरे जैसे खिड़कियां होती हैं वैसे पूरा प्रॉपर बनाया हुआ, कितना सुंदर बनाया होगा, क्या कारीगरी थी देखिए। और ये देखिए टाइल्स कैसे लगी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ईंटें हैं उस टाइम की, तो ये देखिए कैसे बनाया होगा, है ना मनी, कितनी खूबसूरत उनकी मीनाकारी थी। ये ईंटें हैं इसकी, ये फटी हुई है ये भी, और सारी मेन बात ये है कि सारी मिट्टी की हो है। हाँ ये मिट्टी क्या और मिट्टी से चिनाई, हाँ मिट्टी और ईंटें हैं बस छोटी, और पूरी की पूरी मिट्टी की चिनाई है, और इतने सालों तक की भी ये टिकी हुई है। देखो ये देखिए ये पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है लोगों ने इधर, लिफाफे वगैरह, ये इसमें क्या है, ये देखिए प्लेट पड़ी हुई है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है, ये पता नहीं किसी ने लिफाफा रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस जाले ही हैं। ये देखिए पूरी फटी हुई है दीवारें, और ये थर्ड वाला, इसकी भी देखो इसके ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है, और ये दरवाजे जो आपने देखे ही हैं ये तो है ही ओल्ड उस टाइम के दरवाजे, कितने छोटे छोटे थे, मतलब इतने छोटे दरवाजे क्यों रखे थे कि हाँ बंदा अगर आए तो झुक के आए अंदर, है ना, अगर बंदा आए तो झुक के आए, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पढ़ाते होंगे बच्चों को, हाँ पढ़ाते होंगे, हो सकता है मस्जिद भी हो सकती है, ये बताते हैं जब भी अपने घर वाले भी बताते हैं कि जब हुआ था उसके बाद यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, हाँ मतलब उस गुरुद्वारा बनाया था इधर, फिर उसके बाद गुरुद्वारा तो उधर शिफ्ट हो गया, और बाद में बच्चों को इधर पढ़ाया गया। मैंने भी देखा है पहले बैठते थे जब सर्दियाँ होती थी उधर बच्चे बाहर बैठ गए थे पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ मतलब उस टाइम तो वो तो पार्टीशन के बाद था ना, उससे पहले तो मतलब ये मस्जिद ही होगी, उससे पहले तो ये मस्जिद ही थी आई थिंक, ऐसे ये डिजाइन डाले हुए थे, ये देखो 80 years से 80 years पहले की बात है ये, हाँ इसका भी कलर नहीं उतरा, वो ऊपर जो दिखाया है उसका भी देखो कलर्स नहीं गया, और ये तो चलो फटे ही हुए हैं, और ये पूरी जमीन भी देखो फट चुकी है, ये जमीन भी फट चुकी है, और ये काफी ऊंची है, ये गांव से काफी ज्यादा ऊंचा है ये बना हुआ जो मस्जिद है, ये गांव से काफी ज्यादा ऊंची बनी हुई है, तो बस चलते हैं फिर, बस यही दिखाना था, और तो कुछ अभी कुछ लिखा विखा तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा लिखा हो मेरे ख्याल से कुछ लिखा ही नहीं था, अगर लिखा भी होगा तो वो मिट गया होगा शायद, तो ये जो लिखा हुआ है ये तो चलो अभी लोगों ने लिखा, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ लिखा नहीं हुआ था, बस सिंपल बस डिजाइन बनाए हुए थे, मस्जिद बनाई हुई थी बस, तो चलिए चलते हैं बाहर अभी, तो यही था बस के तीन दरवाजे हैं, हाँ एक ये दरवाजा इधर, एक ये दरवाजा है, और ये मेन जो इससे अंदर गए थे हम लोग, और ये तीसरा वाला दरवाजा, वो भी तो बहुत ज्यादा पेड़ ही उगे हुए ऊपर, और हर बार की तरह आज फिर हम लोग आए हैं खेतों में, तो ये सड़क बनने जा रही है ये वाली,
ये रोड़ी रोड़ी पड़ी हुई है और ये बहुत जल्दी बन जाएगी आई थिंक। अभी मैं खड़ा हूँ खेतों के बीचों बीच और आपने अभी अभी जो शॉट्स देखे वो हैं नेचर के शॉट्स और ऐसे शॉट्स मैं और लूँगा। मेरे को थोड़ा सा ये कैमरे की प्रॉब्लम है, कैमरा ले लूँगा ना तो फिर और भी अच्छे अच्छे शॉट्स आया करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को शौक़ पड़ चुका है फ़ोटोग्राफी का, साथ साथ में वीडियो के, तो फ़ोटोग्राफी भी मैंने करनी शुरू की है। तो देखते हैं अभी कैमरा लेते हैं, उसके बाद फिर और अच्छे अच्छे शॉट्स लाया करेंगे नेचर के। और अभी मेरे को टाइम लैप्स वगैरह लेने थे तो अभी मैं स्टैंड भूल चुका हूँ घर पे, और तो क्या करूँ अभी मैं भूल गया, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं टाइम लैप जरूर बनाऊँगा। तो ननु कर रही है शरारतें अभी, तो इसकी शरारतें देखते हैं थोड़ी सी। ये देखिए क्या कर रहे हो, तू चट्टी पाओ, ओ पहन चट्टी पहन, चल 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 चल, हाँ फिर चट्टी पहनो ना फिर नहीं मारेंगे, चल 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 चल। आ गया शेर, आ गया शेर, आई आई ननू शरारता कर दी, ला जानू, आ गया शेर, आ गया शेर, आ गया।